हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडो यूएस एग्रीमेंट की, स्पेशली बीका के बारे में, जिसके बारे में मेरे को कमेंट आए हैं कि इसके बारे में डिटेल से बताना है, और दूसरा इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा चाइना के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टोटल चार एग्रीमेंट हुए हैं इंडिया और यूएस के बीच में। जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट ये 2002 में हुआ है। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 में हुआ है, और कॉम कासा 2018 में हुआ है, और अभी जो एग्रीमेंट हुआ है बीका का, ये चार एग्रीमेंट हुए हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है वो बीका वाला एग्रीमेंट, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। ये चार फाउंडेशन एग्रीमेंट्स हैं जब यूएस किसी से भी रिलेशनशिप डेवलप करता है या अलायंस की तरफ बढ़ता है, तो ये फाउंडेशन एग्रीमेंट हैं। और बेसिक यूएसए का कंसर्न ये रहता है कि उनका टेक्नोलॉजी या कोर्स ऐसे किसी एडवर्सरी के पास ना चले जाएं जो उसका मिसयूज कर सके। बीका को साइन करने में, आप देखिए 2005 में एक बार ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी कि बीका साइन होने वाला था, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट ने अपने पैर पीछे खींच लिए, और ऑब्वियसली कुछ कंसर्न होगा, कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन्स होंगे उनके, और इन एनी केस वो गवर्नमेंट भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। 100 कंट्रीज के साथ यूएसए ने ये एग्रीमेंट किया है। आप समझ सकते हैं कि किस एक्सटेंट तक ये एग्रीमेंट है। लेकिन स्पेसिफिक टू इंडियन रिक्वायरमेंट, ये पहली बार है कि यूएसए ने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं बेसिक एग्रीमेंट में, स्पेशली जो कॉम कासा वाला पार्ट है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि इंडिया के रशिया के साथ भी बड़े ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रही है। अब काफी लोग ये बात कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल इन एग्रीमेंट का फायदा क्या है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये एक ट्रीटी नहीं है, एग्रीमेंट है। ट्रीटी काफी हद तक बाइंडिंग हो जाती है, एग्रीमेंट में काफी हद तक लोग अपने आप को एडजस्टमेंट की तरफ लेके जाते हैं, स्पेशली जहां पे नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि यूएसए ने पाकिस्तान के साथ 1959 में कॉपरेशन एग्रीमेंट किया था, जिसमें यह प्रोविजन था कि वो उसकी मिलिट्री हेल्प करेगा इन केस ऑफ एनी थ्रेट। लेकिन उस एग्रीमेंट को उन्होंने 71 में एग्जीक्यूट नहीं किया। लेकिन यह फायदा पाकिस्तान को हुआ उस एग्रीमेंट के तहत कि जब 65 का वार हुआ तो उसके पास लेटेस्ट अमेरिकन वेपनरी थी, उसका उसको बहुत बड़ा फायदा हुआ। और इसीलिए जो आप देख रहे हो 65 में जो इनिशियल एडवांटेज था वो पाकिस्तान के साथ था। चलिए, वो अपने आप में एक दूसरी कहानी है। आपको मालूम है कि जो जीपीएस सिस्टम है जो हम अपनी गाड़ियों में यूज करते हैं वो पेंटागन से डेवलप हुआ था। इट वॉज ए मिलिट्री एप्लीकेशन, सिविल एप्लीकेशन उसका बाद में डेवलप हुआ। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया हुआ है, जो उनका मिलिट्री जीपीएस सिस्टम है वो एडवांस्ड वर्जन सिर्फ मिलिट्री के पास है। ये पेंटागन डायरेक्ट कंट्रोल करता है, और इस एग्रीमेंट के तहत हमें उस मिलिट्री जीपीएस सिस्टम को असेस करने की फैसिलिटी मिलेगी। सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें क्लासिफाइड और अनक्लासिफाइड दोनों इंफॉर्मेशन मिलेगी। और किस बारे में मिलेगी? टारगेटिंग एंड नेविगेशन इंफॉर्मेशन। और यह कहां पे यूज होगी? ये मिसाइल की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, या फिर जब आप आर्टिफायर करते हैं उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। किसी भी मिसाइल में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होता है,
जनरली काम करता है, मगर एक्यूरेसी थोड़ी डाउटफुल रहती है, इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं आती। एंड सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर फाइटर एयरक्राफ्ट्स। बीका से सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि हमें ऐसे डाटा मिलेंगे कि हमारे जितनी भी वेपनरी है, मिसाइल्स है, सबकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी। इसमें क्या क्या होता है? लोकेशन डाटा, ग्रेविटी डाटा, जियोमैग्नेटिक डाटा, मैप्स, नॉटिकल एंड एरोनॉटिकल चार्ट्स। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या रहेगी कि आपका जो नेविगेशन सिस्टम है वो उनके साथ अलाइन करना होता है, ये एक बहुत बड़ी जरूरत रहती है। देयर इज नो डाउट दैट एज फार एज चाइना इज कंसर्न्ड, हमें यूएसए की तरफ से बहुत हेल्प मिलने वाली है। मैं ये बिल्कुल एक्यूरेसी या ऑनेस्टी के साथ नहीं बता सकता कि पाकिस्तान के अगेंस्ट में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें वो डाटा मिल पाएंगे कि नहीं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल श्योर है कि चाइना के अगेंस्ट में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें बीका का काफी हेल्प होने वाला है। अब आप देखिए कि इसका इंप्लीकेशन इंडिया के लिए क्या हो सकता है। पहली बात, टू फ्रंट वॉर। चाइना के अगेंस्ट में हमें डाटा मिलेंगे और काफी पॉसिबिलिटी है कि बीका एग्रीमेंट होने की वजह से या यूएसए का प्रेशर होने की वजह से पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर का ऑप्शन एक्सरसाइज ना कर पाए इंडिया के लिए, क्योंकि उसके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्वाड का है। जितनी भी ये ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, इनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके साथ अलाइनमेंट आपका 100% हो जाएगा साउथ चाइना सी में या ईस्ट चाइना सी में, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाइना के लिए आज की डेट में। इसलिए आपने देखा होगा कि क्वाड को उसने क्रिटिसाइज भी किया है डिप्लोमेटिकली और उसको एंटी चाइना एक्सरसाइज बताया है। मैं मानता हूं कि क्वाड के डेवलप होने में थोड़ा वक्त लगेगा, मगर वो प्रोसेस अब शुरू हो चुका। इंडिया यूएस रिलेशनशिप इन फाउंडेशन एग्रीमेंट्स के साथ एक सॉलिड पेडेस्ट्रल पर आ चुकी। अगर ये सॉलिड अलायंस डेवलप होता है या फिर कोई ट्रीटी होती है, दोनों ही सिचुएशंस में मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकता हूं कि इंडिया की पोजीशन अपने आप में बहुत स्ट्रांग होने वाली है विस एनी एडवर्सरी इन द रीजन। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अमेरिका में इंडिया के लिए एक बाई पार्टीशन सपोर्ट है, या डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिक हो, दोनों में से कोई भी हो, किसी की भी गवर्नमेंट आए, इंडिया के लिए सपोर्ट में कोई कमी नहीं आने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन मैं इसमें कैवियट भी डालता हूं, शुड वी बी डिपेंडेंट ऑन यूएसए टोटली? देखिए, कोई किसी के लिए लड़ाई नहीं लड़ता, यह बड़ी सिंपल सी बात है। आपकी हेल्प कर सकते हैं। डोकलाम में ऑनेस्टली अमेरिका ने इंडिया की हेल्प की, जो भी डाटा या सैटेलाइट पिक्चर्स या चाइना के बारे में जो भी इंटेलिजेंस थी, मेरी इंफॉर्मेशन यह है कि वो प्रोवाइड की गई और उसका इंडिया को फायदा हुआ। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन हमारा इंटरेस्ट क्या है? इंडियन इंटरेस्ट, इंडियन इंटरेस्ट है कि हम अपनी कैपेबिलिटी भी डेवलप करें, उसमें हमारी तरफ से कोई भी लैकुना डेवलप नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी डिपेंडेंसी ऑन एनी बडी, बिकॉज इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन अलायंस डेवलप करने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आपको यूएस में भी सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप अगर लेनी है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में जाना है, यूरोपियन कंट्रीज का सपोर्ट लेना है, तो आपको इस तरह के एग्रीमेंट
करने पड़ेंगे, और ये जो एग्रीमेंट अभी यूएसए के साथ हुआ है ये उसका आप इसको फाउंडेशन स्टोन कह सकते हैं। आई थिंक वी हैव टेकन द राइट स्टेप फॉर इंडिया टू डेवलप ए सुपर पावर एंड परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।